Let us continue with our lesson number 4 of ABS, in which we are talking about mangoes, that is almost everyone's favorite fruit, right? Sabhi ko kafi pasand aata hai, but up till now we had talked about fresh food and rotten food, or we can tell jo food kharab ho jata hai उसके बारे में हम बात कर रहे थे, राइट? कि कौन सा फूड कितने दिन रह सकता है, कौन सा फूड जल्दी खराब हो जाता है, विच फूड गेट्स स्पॉइल्ड आफ्टर फ्यू डेज एंड ऑल वी वर डिस्कसिंग। सो टुडे इन दिस वीडियो विल गो थ्रू विद वन ऑफ द स्टोरी ऑफ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ एंड दैट इज अबाउट समर ट्रीट मम्मी दी टंड्रा। मम्मी दी टंड्रा वी कैन टेल, एक तरह से आप इसको आम पापड़ भी बोल सकते हो, राइट? तो आम पापड़ वो भी मैंगो का ही बनता है। सो ये एक अच्छी स्टोरी है जिसमें कंप्लीट प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आम पापड़ कैसे बनाते हैं। ओके, द होल प्रोसेस इज शोन इन दिस हाउ आम पापड़ इज मेड। ओके, चिंटू भाई एंड चीना बाबू लीव इन अत्रेयपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। द ब्रदर स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर। दैट इज, कच्चे आम खाना भी बहुत पसंद करते हैं, छोटे बच्चे हो या बड़े हो। तो जब फ्रूट्स दैट इज मैंगोज ट्रीज पे लगते हैं, कच्चे होते हैं, तो भी उन पे सॉल्ट या चिली पाउडर अप्लाई करके खाना, इट फील गुड टेस्ट, राइट? देन एट होम देयर मदर कुक अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। शी ऑल्सो मेक मैनी काइंड ऑफ मैंगो पिकल्स। द पिकल लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। तो मॉम मैंगोज की काफ़ी वेराइटीज बनती है, राइट? तो बहुत सारी वेराइटीज बनती है, तो इन दैट सेंस बच्चे जो हैं वो कच्चे मैंगोज खाकर एंजॉय करते हैं, जबकि मदर्स कंटिन्यूसली बिजी रहते हैं काफ़ी यू नो वेराइटीज बनाने में, मैंगोज के पिकल, अलग अलग तरह से पिकल बनाना, स्पाइसी और स्वीट पिकल बनाना एंड ऑल, एंड देन आम पापड़ मम्मी दी टंड्रा बनाना, उसका रस निकालना, उसको होल ईयर के लिए स्टोर करके रखना। सो मैनी वेराइटीज अवर पेरेंट्स अवर मॉम रिमेन बिजी इन प्रिपेयरिंग इट बाय मैंगोज व्हेन एवर मैंगो सीजन कम, राइट? वन इवनिंग व्हाइल हैविंग फूड चीना बाबू आस्क्ड अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज मेक सम मम्मी दी टंड्रा दैट इज आम पापड़ फ्रॉम देम। सो हमारे पास बहुत सारे मैंगोज हैं, तो चीना बाबू दैट इज एक छोटे लड़के का नाम जो अपनी मदर को बोलता है कि बहुत सारे मैंगोज हैं हमारे पास, तो हम आम पापड़ दैट इज मम्मी दी टंड्रा बनाते हैं। देयर फादर सेड मेकिंग मम्मी दी टंड्रा नीड्स 4 वीक। नाउ दिस फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स प्रोसेस टू मेक मम्मी दी टंड्रा बिगिंस। सो फादर ने सबसे पहला स्टेप ये ही बताया कि मम्मी दी टंड्रा बनाने के लिए लगभग 4 वीक्स जितना टाइम लगेगा, एंड हार्डवर्क, काफ़ी मेहनत भी लगेगी उसमें, काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा। ओके, इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक वी कैन टूगेदर मेक मम्मी दी टंड्रा। तो फादर ने बच्चों को बोला कि अगर आप दोनों हमारी हेल्प करोगे नेक्स्ट 4 वीक्स तो हम मम्मी दी टंड्रा बनाएंगे। ओके, सो फाइनली चिल्ड्रन वर रेडी टू हेल्प पेरेंट्स एंड पेरेंट्स वर रेडी टू कंप्लीट डिमांड ऑफ चिल्ड्रन बाय प्रिपेयरिंग मम्मी दी टंड्रा। ओके, देन बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। दे ब्रॉट अ मैट वूवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द पाम ट्री। देन दे ब्रॉट पोल्स ऑफ कैजुरीना ट्री एंड देन स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क सम जैगरी एंड शुगर। सो मैंगोज तो थे घर में, लेकिन मम्मी दी टंड्रा बनाने के लिए मम्मी दी टंड्रा
किस क्लॉथ पे स्प्रेड करना या किस तरह से उसको सनलाइट से प्रोटेक्ट करना, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मार्केट से लाना इम्पोर्टेंट था। एंड मम्मी की तरह दैट इज़ आम पापड़ स्वीट होता है तो उसमें जैगरी या शुगर भी ऐड होगा। सो द बोथ चिल्ड्रन वेंट अलॉन्ग विद देयर फादर टू मार्केट टू परचेज ऑल दोज। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। दे स्प्रेड आउट द टाइड एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म। सो सनी प्लेस दैट इज सूरज की रोशनी जहाँ पड़ती हो ऐसी प्लेस ढूंढी, वहाँ पर फाइनली एक प्लेटफॉर्म सा बनाया गया जिसके ऊपर वो पोल्स लगा दिए गए। एंड देन फाइनली वहाँ पर मम्मी की तंद्रा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करना था। ओके, द नेक्स्ट डे अपा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज। सो एकदम राइप मैंगो चूज किए फादर ने। एंड देन दे टुक आउट द मैंगोज पल्प इन टू द लार्ज पॉट। देन दे स्ट्रेन्ड द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लॉथ टू रिमूव द फाइबर फ्रॉम द पल्प। सो पहला स्टेप क्या किया, दे फाउंड सनी प्लेस जहाँ पर दे मेड प्लेटफॉर्म। एंड इट वॉज गोइंग टू टेक 4 weeks टू प्रिपेयर मम्मी की तंद्रा। एंड नाउ दे इवन वेंट टू मार्केट टू परचेज रिक्वायर्ड थिंग्स, विच एवर थिंग्स वर रिक्वायर्ड टू मेक मम्मी की तंद्रा, राइट। सो नाउ फाइनली दे स्टार्टेड द प्रोसेस। दे टेकन द मोस्ट राइप मैंगोज, बहुत ज़्यादा पके हुए जो मैंगोज थे वो लिए, उनमें से पल्प निकाला गया। और पल्प निकालने के बाद एक बहुत ही क्लीन मसलिन क्लॉथ, दैट इज पतला सा क्लॉथ होता है, जिसमें से उन्होंने वो पल्प को स्ट्रेन किया। और स्ट्रेन करने पर जो भी मतलब वो मैंगो के पल्प में अगर कुछ पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, ओके, फाइबर्स वगैरह रिमूव हो जाएंगे। एंड देन चिटिल बाबू क्रश्ड द गुड जैगरी टिल देयर वॉज नो लंप। सो गुड दैट इज जैगरी उसमें मिक्स की गई और उसको इस तरह से मिक्स किया कि उसमें बिल्कुल भी लंप ना रहे, दैट इज कोई भी पार्ट अलग ना फील हो। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट में जैगरी एंड शुगर को मिलाया गया, ओके, टू द पल्प, ओके। देन चीना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद अ बिग स्पून। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू द थिन लेयर ओवर द मैट। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। इन द इवनिंग दे कवर द मैट विद द क्लीन साड़ी टू अवॉइड द डस्ट। सो यहाँ तक क्या हो रहा था, जैगरी एंड शुगर पल्प में ऐड किया गया, अच्छे से उसको शेक किया गया। एंड देन फाइनली वो जो प्लेटफॉर्म बनाया था उसके ऊपर वो पूरा एक पतली सी लेयर बना दी गई, ओके, और उसको ड्राई होने दिया सनलाइट में। एंड देन ज़्यादा टाइम उसको ड्राई होने को लगेगा तो नाइट टाइम उसके ऊपर एक क्लीन साड़ी कवर अप कर दिया क्लीन साड़ी के साथ, सो देट उसके ऊपर डस्ट ना लगे, ओके। द नेक्स्ट डे अगेन दे टुक सम ऑफ द मैंगो पल्प, एडेड शुगर एंड जैगरी इन टू द पल्प, देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर। दूसरे दिन फिर यही काम किया कि जो ऑलरेडी लेयर बना हुआ था उसके ऊपर एक दूसरा लेयर बना दिया, ओके। तो दूसरे दिन भी सेम प्रोसेस किया, दे टुक आउट पल्प, दे एडेड शुगर एंड जैगरी इन पल्प, एंड देन दे इन अर्लियर लेयर they just kept another layer of mango pulp, okay, and this work was given to the brothers. तो दोनों भाइयों को ये काम दिया गया करने के लिए। both of them together spread many layers over it for the next 4 weeks, then hoped that it would not rain. so अगले 4 weeks तक उन लोगों ने वो काफ़ी layers के ऊपर layers रखी mango pulp की। एंड देवर जस्ट प्रेइंग के बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश होगा तो वो खराब हो जाएगा।
For 4 weeks, they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeter thick and looked like a golden cake. After some days, Amma said, "The Mamini Tundra is ready. We can take it out and can cut into smaller pieces. We can take it out and cut into pieces tomorrow." So after लगभग 4 weeks के बाद finally Mamini Tundra ready. It was finally declared by mom that Mamini Tundra is ready now. And then finally they started with they were ready to cut the whole big Mamini Tundra in small pieces. Then the next day the mat was brought down from the platform. Mamini Tundra was cut into smaller pieces. The brothers tasted it. It was tasty. Chinna Babu said, "Whoa, how tasty. After all, we have also helped in making it." So children were also very happy ke bahut hi tasty Mamini Tundra bana tha and it was so tasty, they liked it because they were just thinking that they also helped in making this Mamini Tundra. Okay, Mamini Tundra banane mein unhone bhi kafi help ki thi apne parents ki. So children were also happy by eating that Mamini Tundra and parents were happy too. Okay, so that was the story and that was process to prepare Mamini Tundra. Just go through this story from your textbook. And we will continue the remaining portion of our lesson in our next video. It is just almost one page left out to work on with, but we will continue with our next video, that is fourth video related to this lesson later. Okay, thank you.